बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस के हवाले से, यानी बुर्ज दल के हवाले से। सदी की सबसे बड़ी पेशन गोई आपके लिए, यानी 2023 से लेके 2027 तक के 5 साल पूरे होने पर आपको पूरे अहवाल बता रहे हैं। आपके सुनहरी दौर यानी गोल्डन पीरियड का शानदार आगाज किन ड्यूरेशन में होगा इन 5 सालों में, यानी कि 2023 से 2027 के दौरान जो आपके सुनहरी दौर है या गोल्डन पीरियड, इसके बारे में भी बताएंगे। जिंदगी बदल देने वाले 5 बेहतरीन सालों के हवाले से आज हम बात करेंगे। एक्वेरियस बिगेस्ट प्रेडिक्शंस ऑफ द सेंचुरी के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। सबसे पहले इस जोडियक साइन यानी एक्वेरियस बुर्ज दल के हवाले से हम बात करेंगे कि सबसे ऑनेस्ट, सबसे ईमानदार, बेईमानी यानी यूं कह लें कि बेईमानी का वर्ड इनके डिक्शनरी में होता नहीं है, बहुत ईमानदार होते हैं। इन पे ब्लाइंड फेथ किया जा सकता है, इन पे भरोसा किया जा सकता है, आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं, कभी धोखा नहीं देते, पीठ पीछे खंजर नहीं मारते और सबसे ईमानदार जोडिक साइंस में इनका शुमार होता है। इनके लिए बेहतरीन पत्थर कौन कौन से होते हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और बेहतरीन इनके जो लकी नंबर्स है वो भी आपको लेफ्ट बॉटम साइड पे नीचे नजर आ रहे होंगे बॉटम पे, और ये इनके लकी नंबर्स है। फलाही और वेलफेयर काम करने में सबसे आगे एक्वेरियंस को माना जाता है और ये करते हैं अपनी पूरी जिंदगी अच्छे काम, किसी को मुश्किल में नहीं देख सकते, उसको उसकी मुश्किल से निकालते हैं, उसकी मदद करते हैं। आपके बर्थ चार्ट पे 30 साल के बाद सैटर्न का आना आपके लिए मुबारक साबित होगा। अपने पूरी पावर्स यानी वक्री होने के बाद ये भरपूर फायदा देते हुए आइंदा 5 सालों तक आपको नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर ये एक बड़ा राजयोग भी बना रहा है। इस राजयोग की वजह से कई बिगड़े हुए काम आपके बनते हुए नजर आएंगे, आपके रास्ते के रुकावटें सब हटती हुई नजर आएंगी। किस्मत पूरी तरह से आप पे मेहरबान रहेगी और आपके मुश्किल वक्त के अंदर यानी के जो आप माजी में सोचते रहे हैं करने के लिए नहीं कर पा रहे, अब कर पाएंगे, आपकी ख्वाहिशात पूरी होते हुए आप इन 5 सालों के अंदर देखेंगे। याद रखिएगा कि अप्रैल 2023 से आपके 11वें घर पे आपके जो आपकी बॉडी का, आपकी फिजिक का घर माना जाता है उसके ऊपर जो है वो सैटर्न बैठ चुका है। मीन सैटर्न उस हाउस में 11th हाउस में आ चुका है और आपको फिजिकली फिट रखना, यानी मीन आप फिजिकली फिट रहेंगे। अप्रैल 2023 से आपने अपनी बॉडी के हवाले से बहुत कुछ किया होगा, जिम जाना, एरोबिक्स करना, वॉक करना, अच्छा खाना खाना या ऐसा खाना खाना जो आपको बॉडी के हवाले से अच्छा फायदा पहुंचाए, यानी फिजिकली काफी हद तक बेहतरी आपने महसूस की होगी। यहाँ पे आपकी तमाम तर ख्वाहिशात, नेक ख्वाहिशात पूरी होते हुए नजर आएंगे। माजी में जो आप सोचते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो करते हुए आप आइंदा नजर आएंगे। और याद रखिएगा 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी तरक्की के हवाले से, पैसों के फ्लो के हवाले से, आपकी घरेलू जिंदगी, आपकी लव लाइफ के हवाले से तमाम मामला बेहतरीन होते हुए आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा कि पिछले यानी कि जनवरी से, अगर 17 जनवरी से हिसाब लगाया जाए और सैटर्न की पावर्स को देखा जाए तो 17 जनवरी से ये टाइम आपका स्टार्ट है, यानी आपका आपकी किस्मत टोटली आपके फेवर में है और आपके पैसों के मामला, आपके तमाम तर मामला सही होते हुए आइंदा 2.5 साल तक आप लोग देखोगे। आप जनवरी से हिसाब लगा लो, जनवरी की 17 तारीख से अगर माना जाए, चले पूरा साल मान लिया जाए तो पूरा 2023 आ गया, फिर 2024 आ गया, फिर 2025 का मिड, तो ये 2.5 साल आपका ये याद रखिएगा जनवरी की 17 तारीख से लेके ये जो 2.5 साल के स्पैन हमने बताया इसमें बेहतरीन वक्त आप लोग देखोगे और यही आपका गोल्डन पीरियड कहलाएगा। सुनहरी दौर का जो आगाज 17 जनवरी से हो चुका है आप लोगों का और एक्वेरियस ने काफी चीजें तब्दीलियां महसूस की होंगी अपनी जॉब, कारोबार, दौलत, जमीन जायदाद के पैसे, बैरून मुल्क से रेमिटेंसेज वगैरह उसके हवाले से अच्छा पैसा भी आपने देखा होगा, अच्छा वक्त देखा होगा और अभी ये कंटिन्यू रहेगा आइंदा 2.5 साल तक। इस दौरान तमाम चीजें पॉजिटिव होते हुए एक्वेरियंस यानी बुर्ज दल के लोग देखेंगे। इसमें खवातीन भी शामिल है, घर बैठे अपना अच्छा काम कर पाएंगी और पैसे का फ्लो अच्छा आएगा। जॉब करती है तो वहां भी सैलरी में अच्छा पैसा देखेंगी, इंक्रीज देखेंगी और ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। याद रखिएगा दोनों के साथ ऐसा होना है, जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से और कारोबार के हवाले से, इवन जमीनों जायदाद के हवाले से अपने हुनर को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। कोई स्किल्स नहीं सीखेंगे जिससे जिसको प्रोफेशन बनाकर भी आइंदा 2.5 साल तो कम से कम बेहतरीन रिजल्ट इनको मिलने हैं। तो अगर ये हुनर सीख लेते हैं, अभी भी वक्त नहीं गया, 4 महीने इस साल के भी रहते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर आगे के भी 4 साल मजीद बाकी है, तो अच्छा आप पैसा देखोगे। रिकॉर्ड तोड़ जो गोल्डन पीरियड आपको बता
बता दिया ये 2.5 साल का आपका टाइम है जिसमें अच्छा पैसा आप कमा लोगे। याद रखिएगा इस दौरान में आपका थॉट प्रोसेस बहुत बढ़ेगा, बड़े बड़े डिसीजन ले पाओगे, डिसीजन भी टाइमली कैलकुलेटेड होंगे जिसकी वजह से आपको भरपूर फायदा होगा अपने सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से, अपनी इन्वेस्टमेंट के सेविंग्स के हवाले से, अपने कारोबार अपनी जॉब के हवाले से, तमाम मामलों में फायदा ही फायदा आप लोग देखोगे। इस दौरान में आप काफी हद तक फलाही काम करते हुए नजर आओगे, वेलफेयर वर्क करोगे, लोगों की भलाई के लिए काम करोगे जिसका भरपूर फायदा भी आगे आने वाले वक्त में आप लोग देखोगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके पेरेंट्स के अलावा आपके जो दूसरे रिश्तेदारों का भरपूर सपोर्ट आपको अपने काम में नजर आएगा और तरक्की करते हुए आप लोग नजर आओगे। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि गोल्डन पीरियड तो हमने आपको बता दिया कि 17 जनवरी से ऑनवर्ड्स 2.5 साल आपके लिए बेहतरीन रहेंगे, लेकिन उससे बड़ी खुशखबरी है कि पूरे 5 साल मींस के जनवरी वगैरह तो आप गुजार के आ गए, अब ये 4 महीने सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और आगे के 4 साल आपके लिए बेहतरीन रहने वाले, रिकॉर्ड ये तोड़ेगा। याद रखिएगा वो जो 2.5 साल का टाइम हमने बताया वो रिकॉर्ड तोड़ेगा और बाकी का जो टाइम बचा है इसमें अच्छा पैसा, अच्छे मामला, सब कुछ अच्छा, लेकिन रिकॉर्ड यही तोड़ने वाला। याद रखिएगा पैसा उसमें भी आएगा, फ्लो उसमें भी रहेगा, अच्छा अच्छे हालात आप देखोगे, लेकिन अगेन सबसे बेहतरीन ये 2.5 साल रहेंगे। सबसे बड़ी हैरान कुन बात ये है कि सैटर्न आपके, जैसे कि हमने 2.5 साल का वक्त बताया, हमने बताया जनवरी की 17 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो चुका है और अब ये आपको ये 4 महीने तो फायदा देगा, आगे के 4 साल में से भी जैसे हमने बताया 2025 के मिड तक आपको ये फायदा हासिल होता रहेगा, लेकिन इसके बाद जो सैटर्न है ये आपके 12वें घर में जाके बैठ जाएगा और 12वें घर में बैठने का मतलब है पैसे का घर, दौलत का घर, आमदनी का घर, हाई प्रॉफिट्स का घर। अब सोचे आगे क्या होना है, आगे का जो बचा हुआ टाइम है यानी मिड ऑफ 2025 लिख के रख लो अपनी डायरी में, मिड ऑफ 2025 से दिसंबर 2027, मिड ऑफ 2025 से दिसंबर 2027, ये जो वक्त है ये भी पैसे के मामलात में आप बहुत खुद कफील रहोगे, पैसे के रिकॉर्ड टूटेंगे ये बता दूं। बाकियों का जो हमने शुरू में बता दिया ये तमाम मामलात के रिकॉर्ड तोड़ने वाला ये 2.5 साल है, लेकिन अब जो मिड ऑफ 2025 से लेके दिसंबर 2027 हमने बताया पैसे के रिकॉर्ड टूटेंगे, दौलत का रिकॉर्ड टूटेगा, जायदादों के रिकॉर्ड टूटेंगे, आपकी आमदनी आपके हाई प्रॉफिट्स के रिकॉर्ड टूटेंगे और ये आप लिख के रख लेंगे। ऐसा वक्त है कि इसको गवाना नहीं है, लेकिन खास तौर पे वो एक्सपीरियंस ज्यादा फायदा हासिल करेंगे जिनके दिल में अल्लाह की याद होगी, जेब में तस्बीह होगी और सबसे बड़ी बात मेडिटेशन करते होंगे, भलाई काम करते होंगे, अपनी प्रेयर्स में रेगुलर होंगे, जिस भी मजहब में होंगे उसके रसूमात पे, उसके जो रिचुअल्स वगैरह पे जो है वो अमल करते होंगे, तब जाके भरपूर फायदा ये लोग इस 5 साल का देख सकेंगे। यानी जो सैटर्न सबके लिए साढ़ सत्ती या ढैया का 22 बनता है वो ही सैयारा, वही सैटर्न आपके लिए मेहरबानियों का, नवाजिशात का जरिया बनेगा और पूरे 5 साल भरपूर फायदा देता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा कि आपके जनवरी से हमने जो बात बताई सैटर्न की साढ़ शक्ति आप पे जारी है, सैटर्न की साढ़ शक्ति के बावजूद ये जो बड़ा राजयोग बना है ये एक शील्ड का काम करेगा, ये इन साढ़ शक्ति के बुरे असरात को आप तक नहीं आने देगा और आप अच्छा वक्त गुजारोगे, यानी कि मुश्किलात आएंगी लेकिन ऐसे चली जाएंगी जैसे आए ही नहीं थे और अच्छा वक्त आप लोग देखोगे इन 5 सालों के दौरान। लेकिन याद रखिएगा इन 5 सालों के अंदर सर दर्द, माइग्रेन, गले का दर्द, थ्रॉट इन्फेक्शन, ENT के प्रॉब्लम्स, लोअर बॉडी पेन या जॉइंट पेन, दांतों का दर्द वगैरह आपको रहेगा जो कि ज्यादा अरसे नहीं रहेगा, इनसे भी बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। 2025 के मिड तक तो हमने आपको गोल्डन पीरियड बता दिया, लेकिन उसके बाद अगर ऐसे बात करो तो आपका जो जुपिटर है वो वक्री होगा और वक्री होने के बाद काफी हद तक आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा बाकी के वक्तों में, तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि बाकी मामला भी आपके अच्छे रहेंगे और तकरीबन 2025 का शुरू के वक्त से ही आप ये वक्त देखोगे, अच्छा चेंजेस आप देखोगे, अच्छे चेंजेस देखोगे और बड़ी तब्दीलियां देखेंगे। 2023 जनवरी से ऑनवर्ड्स आपके शादी के योग भी बनेंगे, यानी ऑनवर्ड्स ये 5 सालों में आपके रिश्ते भी बनेंगे, शादियां भी होंगी और अच्छी खासी चलेगी, लेकिन जिनकी पहले से शादी हो चुकी है उनकी लाइफ में थोड़ा सा घरेलू झगड़े, लड़ाई, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की कमी, टूटना मनाना वगैरह चलेगा, लेकिन वैसे सही रहेगा। आपके गुस्से में आपकी जबान पे काबू नहीं रहेगा, ये मामला थोड़े बिगाड़ेगा, यानी आपके ऑफिस में, आपके जॉब में, कारोबार में और घर में। कोशिश कीजिएगा जबान पे और गुस्से पे काबू रखेंगे तो ये मामला आपके लिए बड़े अच्छे हल होते हुए नजर आएंगे, काफी बेहतरीन होंगे, लेकिन इन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। लव लाइफ के अंदर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, अपनी लव लाइफ के अंदर अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दीजिएगा, उसके ऊपर पॉजिटिवनेस ना लाइएगा, अगर पॉजिटिव हो गए तो भी मामला बिगड़ जाएंगे। याद रखिएगा किसी पर भी आसानी से भरोसा मत कीजिएगा, अगर आप
ब्लाइंड फेथ बहुत करोगे तो इसका नुकसान उठाओगे, और ये होना भी है, आपको बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप किसी पर ब्लाइंड फेथ करके कोई काम उसको दो और पीठ पीछे वो कोई गलत काम कर जाए। तो कोशिश कीजिएगा किसी पर ब्लाइंड फेथ मत कीजिएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।